क्लास 9th के हमारे जितने भी विद्यार्थी सोशल साइंस की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन सा रामबाण है, ये बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। क्योंकि बड़ी रिसर्च और गहरी छानबीन करने के बाद ऐसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं और सेट डी को अच्छे से सॉल्व करते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो ओडिशा से। ग्रीष्म ऋतु के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को हम क्या कहते हैं, तो लू कहा जाता है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे, ग्यूबल्स थे। जनता लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो अब्राहम लिंकन द्वारा। पालमपुर गाँव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, तो दो, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ से कंप्लीट करना है बढ़िया से, ये हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये यहाँ पर हो जाएगा। अब है आपका भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर माह में होती है। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 में हुई थी। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो मताधिकार कहलाता है। कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बंगाल का जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण हुआ था। ये आपका यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और सही जोड़ी की मिलान करेंगे तो ये जादीदी का जाएगा। रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की जो स्थापना इसका जाएगा 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का आपको कहा जाएगा अमेरिका का शेयर मार्केट। कच्चा माल तथा नकद पैसा इसका जाएगा कार्यशील पूंजी। और चीन आपका जाएगा राष्ट्रीय जन संसद। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913। बढ़िया से इसको कंप्लीट करना है ये, ठीक है। इतना हो गया है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो गोदावरी को अपन क्या कहेंगे, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी को, गोदावरी को। तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण देना है, परिवहन व संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो सितंबर में हुई थी ये 1939 में। यूनानी में क्रेसिया का अर्थ क्या है, शासन है। वर्षाय संधि की संधि कब हुई थी, 28 जून, ठीक है। नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो मताधिकार कहलाता है, ठीक है। यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, असत्य है, ठीक है। ये आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है, चौथा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, यहां से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं, वनों का दो महत्व लिखना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ पीडीएफ के थ्रू आगे, यहां से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका 14 है, 15 16 17 18, ठीक है भैया। बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, मेहनत कर लेनी है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन अभी दे रहा हूँ मैं आपको इसके साथ ही। पेपर पूरा पहले 23 प्रश्न तो देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया, ये 21 का थुआ है, ये 22 है और ये 23 है, ठीक है। चलिए कॉपी को साइड में रखते हैं, पेपर और कॉपी दोनों को, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए सॉल्यूशन देखेंगे अपन। कब और किस नहर के खुलने से भारत में यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है, इसके बाद में यहाँ से ये हो गया है। व्यापारिक पौने इन्हें कहते हैं, हो गया इतना। इसके बाद में ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है।
इसके बाद में ये यहाँ से देख लिए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। वनों का महत्व बताइए, ये वनों का महत्व लिखना है आपको। तीन पॉइंट बहुत है, चार लिखे यहाँ पर, तीन कर लेना आप याद कोई से भी, पाँच छः सात आठ लिख दिए यहाँ तो, और आपको तीन पॉइंट ज्यादा नहीं करने भले ही। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, भारत के दो औषधीय पौधों के नाम और उनके नाम और गुण लिखने हैं। प्रवासी पक्षी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस की काफी आम थे, स्पष्ट कीजिए। ये यहाँ से देख लीजिएगा, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, कार्ल मार्क्स कौन था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। यहाँ पर देख लीजिए, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। लोकतंत्र को बेहतर अर्थ से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। संविधान संशोधन क्या है, ये भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दोष बताने आपको। चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ है, निर्धारण दीजिए, हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ये मानव पूंजी का निर्माण क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ये देख लीजिए, हिटलर की नीति क्या थी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका।